नमस्कार, न्यूज 30 लाइव में आपका स्वागत है। भारत के सर्वाधिक सम्मानित राजनेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम निधन हो गया। मुखर्जी 21 दिन तक कई बीमारियों से संघर्ष करते रहे। वह 84 वर्ष के थे। मुखर्जी देश के बहुत ही दूरदर्शी और सम्मानित नेताओं में से एक थे। मुखर्जी को गत 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई। उनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री है। लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे मुखर्जी 7 बार सांसद रहे। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। साथ ही उनका फेफड़ों में संक्रमण के लिए भी इलाज किया जा रहा था। उन्हें इसके चलते रविवार को सेप्टिक शॉक आया था। चिकित्सकों ने कहा कि शाम 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने उनके निधन की सबसे पहले जानकारी दी। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे प्रणब मुखर्जी को पिछले साल ही मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया था। जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुखर्जी 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में उसके एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता हिस्सा लिया था, जिससे कांग्रेस असहज भी हुई थी। डाक विभाग में क्लर्क रहे, कॉलेज में भी पढ़ाया। प्रणब का जन्म ब्रिटिश दौर की बंगाल प्रेसिडेंसी के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में एमए किया। वे डिप्टी अकाउंट जनरल में क्लर्क भी रहे। वे कोलकाता के विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर भी रहे।